हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु बिजलानी है और आज से हम लोग क्लास 12th की अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और हम लोग सीधा सीधा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स। अच्छा, इस क्लास 12th की अकाउंटेंसी में मैं सीबीएसई एज वेल एज आईएससी दोनों बोर्ड को कवर कर रहा हूँ, और जितने भी टॉपिक होंगे ये दोनों बोर्ड के कॉमन टॉपिक है। अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा जो सिर्फ सीबीएसई में हो तो मैं उनको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये आईएससी में नहीं है। ये इसी तरीके से सीबीएसई और आईएससी दोनों के साथ ही मैं करने वाला हूँ। चलिए, इशू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होता है पहले चीज समझे, फिर इशू का मतलब समझ लेते हैं। शेयर्स क्या होता है, जब भी कंपनी को मार्केट से पैसा चाहिए होता है, जब भी कंपनी को मार्केट से पैसा चाहिए होता है तो वो पैसा जरूर लेती है, बट एविडेंस के तौर पे उनको कुछ रिसिप्ट दे देती है कि हाँ हमने आपसे पैसा लिया, और इसी रिसिप्ट को हम लोग शेयर्स कहते हैं। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त आ रहा है, एक रिसिप्ट आ रही है कंपनी की, इसी को कहते हैं हम लोग शेयर। इस तरह की कुछ रिसिप्ट देती है, अलग अलग कंपनियां होती हैं, अपनी अपनी रिसिप्ट होती है। ठीक है, अब रिसिप्ट देती है, पर ये जो रिसिप्ट होती है ये भी दो तरीके की होती है। मान लेते हैं कि एक हो गई ब्लू पेज में, एक हो गई पिंक पेज में। अब ये ब्लू पेज में और पिंक पेज में क्या मतलब, मतलब दो तरीके के शेयर होते हैं। ब्लू पेज वाला उसको आप कह सकते हैं इक्विटी शेयर, पिंक पेज वाला कह सकते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो इसके जो काइंड्स होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाला है आपका वो इसी में से जाने वाला है। एक हो जाता है आपका इक्विटी, एक हो जाता है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या है, अगर मैं पूरी अकाउंट्स को हटा दूं और मैं पूछूं प्रेफरेंस का क्या मतलब है, प्रेफर, अगर मैं कहता हूं कि मुझे अभी घर जाके दाल चावल खाना है या बर्गर खाना है, मैं किसको प्रेफर करूंगा, मैं बर्गर को प्रेफर करूंगा। मुझे अभी मूवी देखने जानी है या मुझे पढ़ाई करने जानी है, मुझे मूवी देखने जानी है, मैं उसको प्रेफर करूंगा। इसी तरीके से जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं, वो किसको प्रेफर करना चाहेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को। पर इसमें ऐसा क्या खास है कि लोग इसको प्रेफरेंस करें, इसमें कुछ तो खास हो गई। अच्छा, इक्विटी क्या होते हैं, इक्विटी वो होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं हो, ये कैसा जवाब, इक्विटी वो होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं हो, मतलब मैंने किसी को रिसिप्ट दी, अगर वो प्रेफरेंस नहीं होगी तो वो क्या होगी, ऑब्वियसली इक्विटी होगी। तो इसको जो डिफरेंस है, इसको डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए दो बेसिस हम लोग ने बना दिए, और ये दो बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला होता है डिविडेंड और दूसरा होता है कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा अब डिविडेंड क्या होता है भाई, अगर कंपनी में कोई पैसा लगा रहा है तो उसको ब्याज नहीं मिलेगा, उसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, इसी को तो शेयर्स कहते हैं। अगर उसको ब्याज मतलब इसको इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको डिवेंचर्स कहते हैं, अगर उसको इंटरेस्ट मिलेगा तो उसको हम लोग डिवेंचर्स कहेंगे, बट अगर उसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा तो उसको क्या कहेंगे, शेयर्स कहेंगे। अच्छा, जैसे आज के टाइम पे बहुत सारे मूवीज में जो फिल्म स्टार्स होते हैं वो अपना उस प्रॉफिट लेते हैं अपनी मूवी से, वो अपनी मूवी से फीस नहीं उठाते हैं, वो मूवी से क्या लेते हैं, प्रॉफिट लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उस मूवी में उस एक्टर का शेयर इतना है, क्योंकि वो वहां से फीस नहीं ले, प्रॉफिट ले। अगर कंपनी प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी तो उसको ज्यादा पैसा मिलेगा, कम कमाएगी तो कम पैसा मिलेगा। अगर मूवी पैसा कमाएगी ही नहीं, लॉस में चली जाएगी, तो उसको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा, उसको इनफैक्ट उसको लॉस बियर करना पड़ेगा, उसको लॉस में आके सामने से आके पैसा देना पड़ेगा जितने परसेंट की बात की गई। तो यही होता है शेयर्स। अब प्रेफरेंस और इक्विटी में डिविडेंड क्या हो जाते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं, जब कंपनी अपना प्रॉफिट बांटती है शेयर होल्डर्स को उसको डिविडेंड कहते हैं। प्रॉफिट का फैशनेबल वर्ड कंपनीज एक्ट में डिविडेंड लिखा हुआ है, बस इतना सा फर्क है, सिर्फ स्पेलिंग और नाम में फर्क है, मतलब इसको आप प्रॉफिट ही कह सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिट प्रेफरेंस वालों को पहले मिलेगा, प्रेफर प्रेफर है मतलब उसको पहले इंपॉर्टेंस दी जाएगी, वीआईपी है। तो कुछ इसमें जो रेट होता है प्रॉफिट का वो फिक्स कर दिया जाता है, मान लेते हैं कि 10% फिक्स कर दिया, कितना भी कंपनी को प्रॉफिट हो उसमें से 10% इसको मिले, चाहे 1 रुपए हो, 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, 1000 रुपए हो, इसको 10% मिलेगा। मान लेते हैं कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है, 5 लाख रुपीज प्रॉफिट हुआ, इस 5 लाख प्रॉफिट में 10% तो प्रेफरेंस वाले को मिल दिया जाएगा, जो कि हो जाएगा 50,000। बाकी 90% कंपनी के डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कितना इक्विटी वालों को दिया जाए, ये पूरा 90% इक्विटी वालों को नहीं मिलेगा, कंपनी के कौन डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे
कि कितना इक्विटी वालों को दिया जाए, हो सकता है 90% में जैसे 4,50,000 माना डायरेक्टर्स ने बोला सिर्फ 4 लाख इनको दिया जाएगा, बाकी 50,000 कंपनी अपने पास रखेगी कंपनी को बढ़ाने के लिए, कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए। और इसका उल्टा भी हो सकता है, कह सकती है कि 50,000 से इक्विटी वालों को दिया जाए, बाकी 4 लाख कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? जैसे मैंने कहा 4 लाख इक्विटी वालों को दिया जाएगा, बाकी 50,000 जो अपने पास रखेगी कंपनी एक्सपेंड करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स जो एक्सपेंड करने के लिए लगेगी। तो सबसे पहला डिफरेंस तो हो गया नो फिक्स रेट कह सकते हैं, और यहां पे फिक्स रेट कह सकते हैं जो डिविडेंड कब है वो रेट वो कहीं ना कहीं फिक्स। ये सबसे पहला डिफरेंस हो गया। इसके बाद है कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। कभी भी जब भी कंपनी बंद होगी, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब भी बंद होगी तो पहले पैसा प्रेफरेंस वालों को दिया जाएगा, इक्विटी वालों को नहीं दिया जाएगा। अच्छा मान लेते हैं कि जब कंपनी चालू हुई थी, जब कंपनी चालू हुई थी जब भी कंपनी चालू हुई थी तो कंपनी ने 100 लाख रुपए लगाए थे, इक्विटी वाले ने 80 लाख लगाए थे और प्रेफरेंस वाले ने 20 लाख लगाए थे। अब कंपनी हो रही है बंद, अब कंपनी ने जब कंपनी बंद होगी तो सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेच देगी, और एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेचने के बाद कंपनी को मान लेते हैं 150 लाख रुपीज रिकवर हो। इस 150 लाख को किस हिसाब से देगी? पहले प्रेफरेंस वालों को दे देगी जितना भी उनका बनता था जो कि 20 लाख, बाकी जितना भी पैसा बचेगा जैसे कि इस केस में इक्विटी वालों को कितना मिलेगा? 130 लाख। ये तो इस केस में देखिए तो इक्विटी वाले को बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, उनकी हाथ ऊपर, और प्रेफरेंस वाले नॉर्मल है, इन्हें कोई मतलब नहीं, 20 लाख मिलना था 20 लाख मिले सिंपल। बट अगर कंपनी बंद हुई कंपनी को सिर्फ 90 लाख मिलेगी सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को बेचने के बाद, तो प्रेफरेंस वालों को तो अभी भी 20 लाख मिला, बट इक्विटी वालों को कितना मिलेगा? 70 लाख। तो आप देख सकते हैं इक्विटी वालों ने लगाए कितने थे? 80 लाख लगाए थे, जबकि मिले कितने? 70 लाख। इनका नुकसान हो गया, अब ये रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको 10 लाख नुकसान है। अच्छा कंपनी अब बंद हो रही है और कंपनी को अब सिर्फ और सिर्फ 15 लाख रुपए मिले, ये 15 लाख पूरा का पूरा किसको जाएगा? प्रेफरेंस वाले। इनको भी नुकसान हो गया पर नुकसान चलेगा क्योंकि अब इनके पास कोई ऑप्शन है ही। तो इसी तरीके का, और इक्विटी वालों को तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो दोनों ही जने अब रो रहे। कहने का मतलब यहां पे ये है कि जब भी कंपनी बंद होगी प्रेफरेंस वालों को पहले पैसा दिया जाएगा और इक्विटी वालों को बाद में, चाहे वो पैसा कम पड़े ज्यादा पड़े उससे किसी को कोई मतलब नहीं। तो यही जो फर्स्ट पेड टू प्रेफरेंस पेड आफ्टर यही जो डिफरेंस है, ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आ सकता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थियोरेटिकल वाइज इस चैप्टर से। अच्छा इस टॉपिक के बाद इस चैप्टर में शेयर कैपिटल के बारे में भी कुछ आ सकते हैं, आइए देखते हैं क्या है। शेयर कैपिटल क्या होता है? शेयर कैपिटल, शेयर का मतलब वो समझ लिया कि जब भी मार्केट से पैसा कंपनी लेती है और उनको एक रिसिप्ट देती है, उस रिसिप्ट को अगर हम मनी में कन्वर्ट कर दें उसी को शेयर कैपिटल कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि आप लोग बहुत टाइम पहले जब आप मोबाइल की शॉप में जाते थे तो वहां से आप 10 रुपए का रिचार्ज के लिए कूपन लेते थे 10 रुपीज का, तो आपको शॉप वाला क्या देता था? एक कूपन देता था, आप उसको पैसा दे देते थे। तो वो अगर आप उस शॉप वाले के बिहाफ पे सोचिए, सपोज उसके पास 4 कूपन है
उसके पास चार कूपन है तो उनकी वैल्यू कितनी है 40 होती। तो अगर आप कह सकते हैं कि जो चार है ये आपके लिए शेयर्स है और 40 रुपए क्या है शेयर कैपिटल, तो किसी भी कूपन को अगर उसको मनी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो शेयर कैपिटल में बदल जाएगा। तो इसी तरीके से कंपनी की जो शेयर कैपिटल होगी वो शेयर्स को शेयर कैपिटल में बदल दे तो हमेशा वो शेयर्स को पैसों में बदल दे तो उसको शेयर कैपिटल कहेंगे। ये हमेशा रुपीस में आएगा, कह सकते हैं ये हमेशा ध्यान देंगे कि हमेशा रुपीस में आएगा। इसके जो काइंड्स हैं वो पांच हैं, ऑथराइज, इशू, सब्सक्राइब, रिजर्व कैपिटल, कैपिटल। ऑथराइज, ऑथराइज का मतलब यहाँ पे ये है कि कंपनी मैक्सिमम मार्केट से कितना पैसा अपने पूरी एंटायर लाइफ में मांग सकती है। जब भी कंपनी बनती है तो कंपनी को एक फॉर्म भरना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं उसको। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कहीं ना कहीं लिखा होता है कि ऑथराइज कैपिटल कितनी है, कि आप मैक्सिमम पूरी लाइफ में मार्केट से कितना पैसा मांग सकते हैं। वैसे ये चेंज हो सकती है, उसके लिए अलग से प्रोसीजर है, पर वैसे आप मैक्सिमम कितना मांग सकते हैं वो आपको भरना होता है। मान लेते हैं कंपनी ने 100 लाख रुपीस उस फॉर्म में फिल कर दिया, ठीक। अब कंपनी चालू हुई और उसको कुछ पैसों की जरूरत है, सपोज 80 लाख की जरूरत है, तो इश्यू क्या हो गया 80 लाख, मार्केट से वो कितना मांगेगी 80 लाख, पर पब्लिक ने उसको कितना दिया 70 लाख। पब्लिक ने उसको कितना दिया 70 लाख, मतलब उसको कहते हैं सब्सक्राइब। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व बाद में समझेंगे, क्योंकि ये जब क्वेश्चन आएगा तो उसके थ्रू समझेंगे, पर पहले इसको समझ लेते हैं। हम मैक्सिमम कितना मांग सकते थे 100 लाख, हमने आज मांगा कितना 80 लाख, हमको मिला कितना 70 लाख। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या जरूरी है जितना मांगा उतना ही मिला, हो सकता है ज्यादा भी हो। आपने एडवर्टीजमेंट दिया और आपने बोला मुझे 80 लाख की जरूरत है, लोगों ने पैसे जमा करा दिए और अल्टीमेटली आपको 170 लाख, ऐसा क्या हो सकता है? तो क्या आप पूरा पैसा एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, आप एक्सेप्ट कितना करेंगे, आपको चाहिए कितना था 80, जितना चाहिए था उतना ही लेंगे। तो आप पब्लिक को ये 170 माइनस कर देंगे, वापस कर देंगे, और आप अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ 80 लाख लेंगे। जो 90 लाख होगा आप उसको रिफंड कर देंगे। ये हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि अगर ज्यादा पैसा मिल गया और जितना मैंने मांगा था तो एक्स्ट्रा पैसा रिफंड भी कर सकती हैं, ये एक ऑप्शन होता है। पर अल्टीमेटली मुझे 80 लाख 70 लाख जो भी मिला मुझे वही सिर्फ एक्सेप्ट करना है। तो इस चैप्टर से जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो इतना ही है फिलहाल के लिए, और इससे कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन जितना आज मैंने पढ़ाया आपके पेपर में आएगा। और पिछले 10 साल में कितने भी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से बन सकते हैं थ्योरेटिकल जो पेपर में आए हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ गए। ये सारे क्वेश्चन आप करेंगे, इसको याद भी करेंगे, और ये आपका आगे आपके आने वाले काम आएगा। इन फैक्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इस बार के एग्जाम में जो आपको आ सकते हैं, जो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए, पूरी उम्मीद है कि समझ में आया होगा और इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, बाय।